हमें हमको हम जनता को वोट देने पर उनको बड़ी तकलीफ होती है। सारे नेता और सारी पार्टियां मेरे को गालियां दे रही है, सारे नेता देश भर में मुझे गालियां दे रहे हैं। केजरीवाल तो गंदी आदत डाल रहा है। अरे तुमको गंदी आदत क्यों पड़ी भाई? केजरीवाल फ्री भी दे रहा है। हमने महिलाओं को 1000 रुपए दे दिए तो इनको तकलीफ हो गई। तुम करोड़ों करोड़ों रुपए डकार गए, तुम सारा पैसा खा गए गोवा को, तब फ्री भी नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी एक चांस केजरीवाल, एक चांस केजरीवाल, एक चांस केजरीवाल। आज गोवा के कोने कोने से आए हुए सभी माताओं, बहनों, बेटियों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज सबसे पहले मैं मेरे छोटे भाई अमित को सलाम करना चाहता हूं। एक बार जोरदार सब लोग खड़े होके तालियां बजा दीजिए, खड़े होके सब लोग। आज के जमाने में जब एक बेटा अपने बाप की परवाह नहीं करता, चारों तरफ इतना स्वार्थी हो गया इंसान, एक भाई भाई की परवाह नहीं करता, ऐसे जमाने में पूरे समाज के लिए, पूरे गोवा के लिए 5 दिन तक भूखे रहना और अपने शरीर को इतनी तकलीफ देना, अपनी जान की बाजी लगाना, मैं समझता हूं ये अद्भुत है, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं कल इनसे बात कर रहा था, अमित जी से, उन्होंने पहली बार ये फास्ट किया। एडवोकेट हैं, आप सब लोग जानते हैं। उनको जब इस इश्यू के बारे में पता चला तो उनके अंदर से आवाज आई कि उन्हें कुछ करना चाहिए, और उन्होंने तुरंत डिसाइड किया कि मैं वहां जाके इनडेफिनेट फास्ट करूंगा। फास्ट के तीसरे दिन डॉक्टर ने कहा कि आपके कीटोन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, आपकी किडनी खराब हो सकती है। मुझे दिल्ली में भी फोन आया हमारे कार्यकर्ताओं का कि डॉक्टर्स ऐसा कह रहे हैं कि आपके कीटोन लेवल बढ़ रहे हैं, आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपकी शुगर डिप कर रही है, आपका लीवर खराब हो सकता है। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स ने कहा कि अगर आप कुछ घंटे और फास्ट कंटिन्यू करेंगे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। आप ये इमेजिन करके देखिए कि उनके परिवार वालों पे क्या बीत रही होगी। तो मैं उनके परिवार के लोगों को भी सलाम करता हूं, सल्यूट करता हूं कि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई और अमित जी का साथ दिया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में आप क्या करते? अगर डॉक्टर आपको कहता है कि अगर आपने 2 घंटे 3 घंटे और फास्ट किया तो आपकी जान जा सकती है, तो मन में आता है यार ये फास्ट किसी और दिन कर लेंगे, अभी तो फास्ट तोड़ देते हैं, ऐसा ही मन में आता है ना। लेकिन उन्होंने कहा कि उनके अंदर से आवाज आई कि अब उठना नहीं है, अब गोवा के लिए मेरी जान भी चली जाए तो मंजूर है। ये बड़ी बात है। आज गोवा की पॉलिटिक्स के अंदर जब एक नेता करोड़ों रुपए लेके दूसरे पार्टी में चला जाता है, दूसरा नेता एमएलए करोड़ों रुपए लेके
कांग्रेस से बीजेपी में चला जाता है, एमजीपी से बीजेपी में चला जाता है, इस पार्टी से उस पार्टी में चला जाता है। ऐसे में आज गोवा को एक ऐसा नेता मिला है जो गोवा के लोगों के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। तो उन्होंने फास्ट जारी रखा और जो डॉक्टर्स कह रहे थे कि अगर कुछ घंटे आप और फास्ट रखेंगे तो आपकी जान चली जाएगी, तो एक हिंदी में कहावत है, जाको रखे साइयां मार सके ना कोई। उनको कुछ नहीं हुआ, देर वॉज ए डिवाइन इंटरवेंशन, भगवान उनके साथ था क्योंकि वो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे थे, तो भगवान ने उनका साथ दिया। आज वो जिंदा भी हैं, हमारे बीच में भी हैं और आपकी लड़ाई जीत के आए हैं वो। पर इस लड़ाई को अब यहां खत्म नहीं होने देना। ये जो इनका इंडेफिनिट फास्ट था, मेरी समझ में ये एक तरह से एक सिंबॉलिक है, इस लड़ाई को आगे लेके जाना है। अभी अमित जी ने गोवा के हेरिटेज को बचाने के लिए इंडेफिनिट फास्ट किया, अब गोवा की राजनीति को भी बचाना है, गोवा की पॉलिटिक्स को भी बचाना है। गोवा के लोग बहुत अच्छे हैं, भगवान ने गोवा को सब कुछ दिया है, गोवा में नदियां हैं, जंगल हैं, पहाड़ हैं, जड़ी बूटी है, गोवा के लोग बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं, गोवा के लोग मेहनती हैं, लेकिन गोवा के नेता बड़े खराब हैं, गोवा की पॉलिटिक्स बहुत खराब है। अब गोवा को इन नेताओं से छुटकारा दिलाना है, राजनीति को साफ करना है। करना है कि नहीं करना है? और आज यहां पे इतनी सारी मां बहनें आई हुई हैं, अगर औरत ठान लेती है कि मुझे कुछ करना है तो फिर कोई नहीं रोक सकता। आज एक और गारंटी ऐलान करने के लिए मैं दिल्ली से आया हूं। मुझे ज्यादा इस बात की खुशी है, आज गोवा में दो किस्म की राजनीति चल रही है। रोज आप गोवा का अखबार उठा के पढ़िए, फ्रंट के पेज पे आएगा ये नेता ये पार्टी छोड़ के उस पार्टी में चला गया, उस पार्टी ने कहा कि हम इस पार्टी के साथ अलायंस करेंगे, उसने कहा कि शाम को आता है नहीं हम इसके साथ अलायंस नहीं करेंगे, उसके साथ अलायंस करेंगे। मैं मन में सोचता हूं, किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को गोवा की चिंता है क्या? कोई नेता ये नहीं कहता कि मैं अब गोवा के लोगों के लिए शिक्षा अच्छी करूंगा, कोई नेता ये नहीं कहता कि मैं गोवा के लोगों का पानी ठीक करूंगा, कोई नेता ये नहीं कहता कि मैं गोवा के युवाओं को रोजगार दूंगा। सब नेता लगे हुए हैं, इस पार्टी से अलायंस करेंगे, उस पार्टी में छोड़ के जाएंगे, इस पार्टी, सारी गंदी राजनीति चल रही है। इट्स ऑल डर्टी एंड अगली, सब कुछ गंदा चल रहा है राजनीति के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ एक और नई पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी में हम गोवा के, जब भी हम बात करते हैं, हम गोवा के विकास का प्लान बना रहे हैं। मैं पहली बार आया, मुझे पता चला कि लोगों के बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, गोवा के अंदर पावर कट बहुत लगते हैं, बिजली जाती है, कई कई घंटे के पावर कट लगते हैं। हमने दिल्ली में इसको ठीक किया, तो हमने पहली गारंटी दी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बिजली मुफ्त करेंगे जैसे दिल्ली में की, और 24 घंटे बिजली देंगे। हमने दूसरी गारंटी दी कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। आज पढ़ लिख के हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, हम युवाओं को रोजगार देंगे, और जब तक रोजगार नहीं मिलता हम उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। हमने तीसरी गारंटी दी, हर आदमी चाहता है कि मैं तीर्थ यात्रा करके आऊं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बड़ी खुशी की बात है, अभी परसों, डे बिफोर यस्टरडे, दिल्ली से पहली ट्रेन दिल्ली के लोगों को लेके दिल्ली से अयोध्या गई है रामचंद्र जी के दर्शन करवाने के लिए। गोवा में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गोवा में हिंदू चाहते हैं कि हम अयोध्या जाएं, मुस्लिम चाहते हैं कि हम अजमेर शरीफ जाएं, क्रिश्चियन चाहते हैं हम वेलंकनी जाएं। गोवा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, आपको अपने भगवान के दर्शन कराने के लिए हम तीर्थ यात्रा करवा के लेके आएंगे।
चौथी गारंटी हमने अपने गोवा के टैक्सी के भाइयों के लिए दी, और आज मैं महिलाओं के लिए पांचवी गारंटी का ऐलान करके आया हूं। तो आम आदमी पार्टी गोवा के लोगों के विकास के लिए पूरा प्लान तैयार कर रही है कि हमारी सरकार बनेगी हम क्या करेंगे। अभी आने वाले टाइम में मैं फिर आऊंगा, स्कूल कैसे ठीक करेंगे, कॉलेजेस कैसे ठीक करेंगे, अस्पताल कैसे ठीक करेंगे, आपके इलाज के लिए क्या करेंगे, पूरा प्लान तैयार कर रहे हैं हम लोग, और कोई पार्टी तैयार नहीं कर रही। और किसी पार्टी को गोवा से मतलब नहीं है, और किसी पार्टी को आपसे मतलब नहीं है, और किसी पार्टी के सब नेताओं को, सब पॉलिटिशियंस को, सारी पार्टियों को केवल और केवल गोवा को लूटने से मतलब है, और किसी चीज से मतलब नहीं। तो आज मैं महिलाओं के लिए ऐलान करता हूं कि हमारी सरकार बनेगी गृह आधार योजना, एमआरआई दैट्स द नेम, गृह आधार योजना, जो अभी 1,500 रुपया मिलता है इसको हम बढ़ा के 2,500 रुपया महीना करेंगे। दूसरा, जिन महिलाओं को गृह आधार योजना नहीं मिलती, एक परिवार में एक ही महिला को मिलती है, हाउसवाइफ को मिलती है, आपकी बेटी है, आपकी माँ है, और दूसरी महिलाएं जो 18 साल से ऊपर की उम्र की महिलाएं जिनको गृह आधार योजना नहीं मिलती, उन सबको 1,000 रुपए हर महीने उनके अकाउंट में डाला जाएगा। मैंने देखा है बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, विमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, विमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए। काम कोई नहीं करता विमेन एम्पावरमेंट में। सबसे बड़ा विमेन एम्पावरमेंट क्या है? पैसे में ताकत होती है, होती कि नहीं होती है? जेब में अगर पैसा हो तो आदमी को लगता है मैं ये भी खरीद सकता हूं, मैं ये भी खरीद सकता हूं, मैं यहां भी जा सकता हूं, मैं वहां भी जा सकता हूं। आदमी बड़ा एम्पावर्ड फील करता है अगर जेब में पैसा हो तो। अगर हमारे हर महिला की जेब में 1,000 रुपए होंगे तो वो क्या क्या नहीं कर सकती। वो बड़ा फ्रीडम महसूस करेगी, वो इंडिपेंडेंस महसूस करेगी, वो एम्पावरमेंट महसूस करेगी। मैं समझता हूं कि अब हम जो हर महिला की जेब में 1,000 रुपए डालने जा रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी परहैप्स द बिगेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया, पूरी दुनिया का यह सबसे सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम होगा। आप सोच के देखो, एक 18-19 साल की बेटी है, उसके पिताजी उसे कॉलेज की पढ़ाई छुड़वा देते हैं, वो कॉलेज नहीं जा पा रही। अब अगर उसकी जेब में 1,000 रुपए आएंगे तो उसकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो सकती है। हो सकती कि नहीं हो सकती? वो अपने लिए नए कपड़े खरीद सकती है, अपने लिए कुछ भी खरीद सकती है मार्केट में जाकर। एक हाउसवाइफ है, आज इतनी महंगाई हो गई है, अगर उसकी जेब में 1,000 रुपए आएंगे वो अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद सकती है, वो अपने लिए कुछ खरीद सकती है, वो घर में एक एक्स्ट्रा सब्जी बना सकती है, और कुछ हो या ना वो सब्जी बना सकती है, अपने मनपसंद का खाना खा सकते हैं सब लोग, एक दिन इवनिंग में बाहर जा सकते हैं वो लोग, अपने बच्चों को बाहर कुछ दिखाने ले जा सकती है। एक बूढ़ी माँ है, वो अपने बच्चों को कुछ देना चाहती है। मैं एक आपको इंसिडेंट सुनाता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं उनको इसकी क्या जरूरत है। हम ये ऑप्शन देंगे इस स्कीम में, जो जो नहीं चाहते इसको, जिन लोगों को लगता है कि उनके पास पैसा है, जिनको लगता है वो वर्किंग वुमेन है, उन्हें जरूरत नहीं है, दे विल बी गिवन एन ऑप्शन टू ऑप्ट आउट ऑफ द स्कीम। जरूरी नहीं है सबको, बट वी विल मेक एन ऑफर टू एवरीवन, और जो इसमें ऑप्ट आउट करना चाहे करें। लेकिन मेरे पास एक मेरा दोस्त है, बहुत अमीर दोस्त है, वो एक बार मेरे पास आया, बोला मेरे पिताजी एक दिन मेरे पास आए और मुझे बोले बेटा मेरी पॉकेट मनी फिक्स कर दो, हर महीने मुझे पॉकेट मनी चाहिए। तो मेरा दोस्त उनको बोला कि पिताजी आपको पॉकेट मनी किस लिए चाहिए, मैं हूं ना, आप बताइए आपको क्या चाहिए, मैं सब कुछ दिलवाऊंगा। तो कहता है मेरा गोलगप्पे खाने का मन है तो मैं तेरे पास पैसे मांगने आऊंगा क्या। तो अगर एक बूढ़ी मां को कुछ भी खरीदने का मन है
तो वो हर चीज के लिए अपने बेटे से पैसे मांगेगी क्या, अपने हस्बैंड से पैसे मांगेगी क्या? तो ये जो हजार हजार रुपए हम डालने वाले हैं, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इफेक्टिव एंड द बिगेस्ट विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। मुझे बहुत सारे लोग आजकल क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पहले तो ये कहते हैं कि पैसा कहां से आएगा। मैं बताता हूं पैसा कहां से आएगा। आप लोग भी जब जाओगे तो आपसे पूछेंगे पैसा कहां से आएगा। गोवा का इसके लिए 500 करोड़ रुपया चाहिए, मैं सारी कैलकुलेशन करके आया हूं। आपकी जेब में, हर महिला की जेब में एक एक हजार रुपए हर महीने डालने के लिए 500 करोड़ रुपया चाहिए। गोवा का बजट 22,000 करोड़ है, 22,000 करोड़, 22,000 करोड़ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गोवा में अगर कोई सड़क बनती है, अगर कोई फ्लाईओवर बनता है, अगर कोई गोवा में काम होता है, उसमें कितने परसेंट करप्शन होता है? कितना परसेंट करप्शन होता है? गेस, 60%, 90%, 70%, 20%। चलिए मान लीजिए 20% मान लेते हैं, 20% तो होता ही है, होता है कि नहीं होता है? उससे तो कम नहीं होता, उससे तो ज्यादा ही होता है। 20% मान लेते हैं, तो 22,000 करोड़, 22,000 करोड़ का बजट है, 20% करप्शन है, तो कितना करप्शन में चला गया? 4,400 करोड़ रुपीज, 4,000 करोड़ रुपए करप्शन में चला गया। आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है, आम आदमी पार्टी पैसे नहीं खाती। ये 4,000 करोड़ रुपए करप्शन से बचाएंगे और हर महिला को हजार हजार रुपए देंगे। अभी मैंने आपके लिए फ्री बिजली अनाउंस की, मैंने आपके लिए अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी भत्ता अनाउंस किया, मैंने आपके लिए तीर्थ यात्रा अनाउंस की, मैंने आपके लिए आज 1,000 रुपए अनाउंस किया। ये सारा खर्चा मिला के इट इज लेस देन 1,000 करोड़। और मैंने आपको सेविंग 4,000 करोड़ की सेविंग बता दी, तो अभी और भी अनाउंस कर सकते हैं, अभी तक बात की है कि नहीं? तो अभी तो और बहुत कुछ अनाउंस कर सकते हैं। पैसे की कमी नहीं है सरकार में, नियत की कमी है। अच्छी नियत वाली सरकार आएगी, सब कुछ मिलेगा। ये लोग कहते हैं केजरीवाल फ्री भी दे रहा है, फ्री भी दे रहा है, फ्री भी दे रहा है। हम इस देश की हवा बदल रहे हैं। अभी इस देश के अंदर अभी तक सारी फ्रीबी नेताओं को मिलती थी। आपके पीएम साहब गोवा के, उनको 4,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने। आपके मिनिस्टर, उनको 4,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने। तो आपको 300 यूनिट बिजली मुफ्त नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ, मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और जब हम कह रहे हैं 300 यूनिट हर एक आदमी को मुफ्त देंगे, कहते हैं फ्री भी दे रहा है, फ्री भी। अब जो नेताओं को मिल रहा है वो फ्री भी है, जो जनता को मिल रहा है वो उनका हक है। जनता को भी फ्री भी मिलेगा अगर नेताओं को फ्री भी मिलेगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अब अगर कोई आपको कहे फ्री भी दे रहा है, फ्री भी दे रहा है, बोलो तुमको भी तो फ्री भी मिलता है, हमें भी मिलेगा। जो तुमको मिलेगा वो हमें मिलेगा, जो नेताओं को मिलेगा वो हमें भी मिलेगा। हमें हमको हम जनता को वोट दे रहे थे, उनको बड़ी तकलीफ होती है। सारे नेता, सारी पार्टियां मेरे को गालियां दे रही है, सारे नेता देश भर में मुझे गालियां दे रहे हैं। केजरीवाल तो गंदी आदत डाल रहा है। अरे तुमको गंदी आदत क्यों पड़ी भाई? केजरीवाल फ्री भी दे रहा है, हमने महिलाओं को हजार रुपए दे दिए तो इनको तकलीफ हो गई। तुम करोड़ों करोड़ों रुपए डबा गए, तुम सारा पैसा खा गए गोवा को, तब फ्री भी नहीं हुआ। अब अगर हमने अपनी मां बहनों को हजार रुपए दे दिए तो उनकी फ्री भी हो गई। तुम करोड़ों रुपए खा गए और गोवा को लूट के घर बैठ गए कुछ। अब ये बदलना है, आपको बदलना है कि नहीं बदलना है? तो मुझे बेहद खुशी है आपके बीच में आज आके, और मैं समझता हूं कि अमित जी का ये जो संघर्ष है, आज अमित गोवा के एक एक युवा की आवाज बन चुके हैं।
आज अमित एक एक बोल की आवाज बन चुके हैं। इस संघर्ष को अब हमें यहां खत्म नहीं करना, अब हमें गोवा की राजनीति साफ करनी है, गोवा की पॉलिटिक्स साफ करनी है, गोवा में ईमानदार पॉलिटिक्स लेके आनी है। आम आदमी पार्टी एक फ्रेश पार्टी है, हम आपको फ्रेश चेहरे देंगे, फ्रेश राजनीति देंगे, ईमानदार राजनीति देंगे। आज गोवा के लोग वही मांग रहे हैं, गोवा तंग आ चुका है पुरानी पार्टियों से, गोवा तंग आ चुका है पुराने पॉलिटिशियन से। इस भाई को सबको उठाकर फेंकना है। दिल्ली के लोगों ने कांग्रेस को 0 सीट दी थी, बीजेपी को 3 सीट दी थी, गोवा के लोगों को 0 सीट बीजेपी को और 0 सीट कांग्रेस को दी थी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आमदार जनप्रेमेगा तक पोटा।